बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका दोस्त गुलाम मिर्ज़ा क्लाइमेक्स शॉर्ट एंड एकेडमी में तमाम देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि पहले वीडियो में हमने आपको कांस्टेंट के मुतल्लिक बताया था, आज हम इस वीडियो में हम आपको वावर के मुतल्लिक बताएंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं वो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको आने वाले तमाम लेक्चर्स बआसानी मिल सके। नाज़रीन, आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हमारा लेक्चर है वॉवल्स। तो वॉवल्स में टोटल शॉर्ट एंड में 12 वॉवल है। तो सबसे पहले वॉवल की डेफिनेशन क्या है शॉर्ट एंड में? कहता है ऐसे अल्फाज जो जबान और जबड़े को हरकत दिए बगैर बयान किए जाए वो वॉवल्स होते हैं। तो आज हमारा पहला जो वॉवल है ए, उसके मुतालिक हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कौन कौन सी प्लेस कैसे इस्तेमाल होता है। तो आते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। नाज़रीन, हमने पहले 6 कंसोनेंट किए हैं, टी बी टी डी चे और जे, ये 6 कंसोनेंट किए हैं। इनके जो साइन है शॉर्ट एंड में, पी का लाइट, बी का हैवी, टी का लाइट, डी का हैवी, चे का लाइट है और जे का हैवी निशान है। अब नाज़रीन, ये हमारे कंसोनेंट है। ये एक बात ये जरूर रख लेगा, वॉवल को शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं कि शॉर्ट एंड में बारह वॉवल हैं। इनको शॉर्ट एंड में डॉट और डैश से जाहिर करेंगे। टोटल 12 वॉवल हैं, इनको जाहिर करेंगे डॉट और डैश से। तो वावल किस जगह पे हम कंसोनेंट के साथ मिलाप करना है? नाज़रीन, जैसा कि हमारे पास कंसोनेंट स्ट्रोक जो है इसके मुतालिक हम आते हैं कि जहां पे वावल लिखा जाए, कहते हैं कंसोनेंट स्ट्रोक्स की 3 जगह होती हैं और 2 अतराफ होते हैं। एग्जाम्पल, ये सिर्फ ये 6 कंसोनेंट नहीं, टोटल पूरी बुक में जितने भी कंसोनेंट हैं टोटल 24 हैं, सब की 3-3 जगह होगी और 2 अतराफ होंगे। एग्जाम्पल, मैं आपको पहले फर्स्ट 6 कंसोनेंट में से एक की देता हूं। जैसे कि हमारा लफ्ज है पी, कंसोनेंट है ये पी है, इसकी जगह कितनी है 1 2 3, दूसरी सर 1 2 3, अतराफ कितने हैं 2, साइडें कितनी हैं 2 और जो इसकी जो जगह है वो कितनी है 3-3। तो आज हम करते हैं वॉवल ए। वॉवल ए जो है हमारा वॉवल ए की जो आवाज है ए ही है, इसका जो साउंड है ए ही है, इसको जाहिर करेंगे मोटे डॉट से। और वॉवल ए हर स्ट्रोक की दरमियानी यानी दूसरी जगह पर लिखा जाता है। जैसा कि मैंने अब कहा ना पहले दिन कि इसकी जो आवाज है वो ए है, आज हम टोटल इसमें जो है 12 वॉवल हैं,
जो आज हम करने लगे हैं वो टोटल चार बाबा, चार में से एक करेंगे बाबा, हम एक को चार में से एक बाबल एक को करेंगे हम। देखें बाबल ये जो कहते हैं स्टार्ट करते हैं मोटे डॉट से, और बाबल जो है ए हर स्ट्रोक की दरमियानी यानी दूसरे नंबर लिखा जाता है। जैसा कि देखें हमारे पास एग्जांपल क्या है, एप, हमारे पास एग्जांपल क्या है एप। अब नाजरीन हमने आज ए और पी पढ़ा है, ई नहीं पढ़ा। अगर आप ई क्रॉस कर देते हैं यानी ई नहीं पढ़ते तो आपकी आवाज निकालेगा, हमने आवाज लानी है इसकी ए की, तो लिहाजा एप लफ्ज हमारे पास एप, इसकी कॉन्सनेंट स्ट्रोक जो है पी है, पी आ गई। अब ये तो पता चल गया कि वावल ए को जाहिर करते हैं मोटे डॉट से हर स्ट्रोक की दूसरी या दरमियानी दिया में लिखा जाता है। अब ये देखना है ये जो इसकी दो साइड है किस साइड पे आता है, कहता है अगर वावल कॉन्सोनेंट से पहले आवाज दे तो पहली जानब लिखेंगे, ठीक है। एग्जांपल क्या है एक, पी से पहले आवाज, पी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, ए हमारे पास क्या है वावल है, तो वावल जो है ए की आवाज कॉन्सोनेंट से पहले आ रही है तो वावल ए को किस जगह पे लिखेंगे दरमियानी पे, पहले आ रही आवाज पहले जाना ये इसकी दरमियानी जगह। इसके बाद अगर आ जाए बाद में आवाज तो दूसरी जानब लिखेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि लफ्ज है पे, दरमियानी जगह पे आएगा दूसरी साइड पे आएगा। इसके बाद एक और लफ्ज आ गया जिसमें आपको मैंने पहले बताया था, जैसा कि एब, एब हमारा लफ्ज जो है ये देखिए आ गया। अब इसकी जो स्ट्रोक है वो ये लिखेंगे और नीचे हाइफन बनाएंगे डबल। इसका मतलब क्या है कि किसी शहर का नाम किसी लफ्ज का बड़ा कैपिटल लफ्ज आ जाए उसके लिए ये हम यूज करेंगे। इसके बाद लफ्ज हमारे पास आता है एट। अब नाज़रीन ये देखें इसमें ए स्पेलिंग नहीं है, ए का स्पेल नहीं है, लेकिन साउंड जो है आवाज दे रहा एट, तो एट में हम क्या करेंगे टी लिख लिया, आवाज ए की पहले आ रही है टी की बाद में आ रही है तो पहले जाना आ जाएगा। इसके बाद लफ्ज हमारे पास बे, इसके बाद लफ्ज हमारे पास है एज, इसके बाद हमारे पास लफ्ज है बे। नाज़रीन ये था आज हमारा लेक्चर वावल ए के मुतल्लक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जॉइनिंग ऑफ कंसोनेंट कि कंसोनेंट को किस तरह मिलाप करते हैं और कैसे करते हैं। नाज़रीन लाजमी हमारी जो वीडियो है इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको तमाम सारी आने वाली वीडियो बआसानी मिल सके। हमारे जो है क्लाइमेक्स शॉर्ट अकेडमी का फेसबुक जो पेज बना है उसको जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपके तमाम का हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका भी हम शुक्रगुजार हैं। अल्लाह हाफिज़।